बस कर, थोड़ा मूड खराब है। और क्या? मूड खराब है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी भैया लगातार गलती किए जा रहे हैं। पहला गलती किए कि धोड़ी चटना सिंगर को स्टेज पर सम्मानित किए, और दूसरा गलती फिर क्या कर दिए कि जो हीरोइन जो एक्ट्रेस पवन सिंह को नहीं जानती थी उसको काम दिए, वादा किए कि काम देंगे और इतना जल्दी काम भी दे दिए। गाना भी शूटिंग हो चुका है, उस पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कौन है पवन सिंह? नहीं जानते, जरूरी है जानना। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी जी को जानते हैं। सौम्या पोखरेल जो नेपाल की रहने वाली है, वो आज से कुछ साल पहले पवन सिंह को नहीं जानती थी। पवन सिंह को नहीं जानती थी, खेसारी लाल का टैटू छपवाई थी, खेसारी लाल के साथ काम भी किया एल्बम में, खेसारी लाल के साथ दाल उनका नहीं गला। तो धीरे 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 किसी तरह से पैर भी लगवा करके पवन सिंह जी के इवेंट में आती है, वहां पे पवन सिंह से मिलती है और पवन सिंह जी इनको माफ भी कर देते हैं सौम्या पोखरेल के। और उसके बाद पवन सिंह वादा करते हैं स्टेज पे कि मैं इसके साथ काम करूंगा, इसको काम दूंगा। और एक अभी अभी पोस्टर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि सौम्या पोखरेल के काम भी मिल गया, इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, पहला चीज की पता है थोड़ा अजीब लगेगा, सब भाई से माफी चाह हम हाथ जोड़ी बा, मतलब ये इतना गिरा हुआ काम हमको लगा ना, एक पावर स्टार को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज की वो आपको एक बार नहीं 75 बार बोली है कि हम नहीं जानते हैं, जानने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी बोलती हाँ, थी कि हाँ नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, हम नहीं जानते हैं कौन बहुत है, बहुत इंटरव्यू में बोली हाँ, है, बहुत इंटरव्यू में बोली है, फिर भी उसको आप काम दे रहे हैं। तो इसको अगर आप लोग कहिएगा कि इसको हम बड़प्पन मानते हैं तो हम नहीं मानते हैं। सही बात। उन फैंस पे क्या बीतती होगी जो दिन रात आपके लिए करते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता है, जो आपको नहीं जानती है वो आपके साथ काम कर रही है, उसके साथ आप काम देते हैं, उनको गाना बनवाते हैं, उनके साथ रील्स बनाते हैं, जबकि एक बार नहीं तमाम मकबूल मतलब है। उन फैंस के दिल पे क्या बीतती होगी जो आपको भगवान के नजरिए से देखते हैं, जो आपको पूजते हैं, वो आपसे एक सेल्फी तक नहीं ले पाते हैं, एक झलक के लिए कितना धक्का खाते हैं, कितना देर तक घमा जो लें। आपको नहीं जानती है, जो आप पे इतना आलोचना की हो, वो आप क्या आपसे आके मिलती है, फटाक से काम दे देते हैं, इतना दानी मत बनिए। और भी तो इंस्टाग्राम वाली एक से एक लड़कियां है, वो गुहार लगा रही है कि हमको काम चाहिए काम चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, जबकि एक से एक खूबसूरत भी है। बहुत सारी लड़कियां है जो काम करना चाहती है, लेकिन क्या कहिएगा, सारी बातें हम सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बिहार यूपी की तो एक से एक लड़कियां है, आप बिहार यूपी वाले को काम ना देकर के आप नेपाल वाली को काम दे रहे हैं, मतलब अब देखिए लोग हंस रहा है भाई जी, ये नहीं है कि हम इस चीज को कर रहे हैं, हम तो 3-4 दिन से कुछ वीडियो भी नहीं बनाओ, तो हम तो खुद सदमे में बने। लोग हंस रहा है कि पवन सिंह का अब ये दिन आ गया कि अब इसके जिसको ना एक्टिंग करने आता है ना जिसको एक्सप्रेशन देने आ रहा है वो काम कर रहा है। सौम्या पोखरेल को तो भाई काम है, उसका काम लेना, क्योंकि जिस इंसान के लिए हम लोग दिन रात लड़ते हैं, जिस इंसान के लिए हम लोगों पे FIR पता ना का का हो जाता है, सही बात है। हम लोग कब जेल चल जाए कोनो ठीक नहीं है, जिस इंसान के लिए हम लोग को कब कोनो गरिया दे, कब कोनो रास्ते में पीट दे, मार दे, चैनल पर स्ट्राइक मार दे, स्ट्राइक मार दे, कुछ भी कर दे, उस सब चीज का बिल्कुल बेफिक्र होके हम लोग इनके लिए लड़ते हैं, सपोर्ट करते हम हैं। हम लोगों को ये सिला मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट में एक तरह तरह के बातें बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए पवन सिंह जी को इनके साथ। देखिए, जितने भी भाई हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप फैन है फैन रहिए, आप किसी के भी फैन है, पवन भैया के हो, खेसारी लाल यादव के हो, अगर कोई सही करता है तो उसको सही बोलिए, गलत करता है तो उसका पूर्ण रूप से विरोध करिए, ऐसा विरोध करिए कि वो एक बार में सीख जाए। सही बात, ठीक है, तबे आपका वैल्यू रहेगा कि हाँ कोई फैन है जो मतलब सच को सच दिखाता है, गलत को गलत करता है, और जब तक ये चीज नहीं होगा तो वो तो फिर भगवान हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि अरे हमार के का उखाड़ी, नहीं वो चीज करना होगा। हो सकता है इस वीडियो को देख के भाई सबको बुरा लगे, सही बात, तो देखिए कड़वी बातें थोड़ी बुरी लगती है, वो चीज हमको बिल्कुल सही नहीं लगा, जिसको काम देना चाहिए आप लोग काम नहीं देते हैं, जिसको नहीं देना चाहिए उसको भाई फटाक से दे देते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं बता दूं कि सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह जी का एक गाना शूट हो चुका है, आप लोग उस पोस्टर गाने देख, का हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे 1% ना, ना पोस्टर शेयर होगा, ना कहीं गाना सुनेंगे, ना कहीं कुछ होगा। चलिए कुछ नहीं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का राय कैसा है, और भैया ये वीडियो से क्या कुछ समझ में आया कुछ तो जरूर कमेंट करिएगा। और सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह जी का गाना शूटिंग हो चुका है, बहुत जल्द आने वाला है, पोस्टर भी बहुत जल्द आएगी, एक फोटो आ चुकी है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप लोग देखिए और कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।